Yusuf. क्या बैठना है मुझे? हाँ सर बैठो 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 सर बैठो बैठो। भाई सर अपने बीच में आए हैं, अभी 10-15 मिनट 5-7 मिनट जितना सर का कीमती टाइम है अपने बीच में स्पेंड करेंगे और आपसे कुछ बातचीत करेंगे, तो सर की बातें सुनो आराम से। सर मैं एक बार बता दूं बच्चों को। हाँ जी, नहीं सर वैसे तो एक बार सुबह मीटिंग होगी। अभी सर जी अपने सीएम साहब के ओएसडी जवाहर यादव जी एक बार ताली बजा दे भाई साहब। धन्यवाद प्रवीण जी। ना बैठो बैठो। अभी आप हाँ जी आ जाते हैं और बातें बाद में करेंगे। धन्यवाद प्रवीण जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोग मिलते रहे हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संदेश के साथ मुझे आपके बीच भेजा है। पहले तो मुझे आपका होर्डिंग समझ में नहीं आ रहा है, युवा भटक रहा है, बेरोजगार नींद से उठे हरियाणा सरकार। आप तो बेरोजगार नहीं हूं, आप रोजगार युक्त हो, तभी तो कह रहे हो मैं ज्वाइन कराऊं। तो पहले तो आपके होर्डिंग की ये जो पैम्फलेट है जो बोर्ड लगा हुआ है तकनीकी रूप से गलत है। नहीं मैं तो वो देखूंगा ना जब मेरे मतलब की बात होगी। हाँ नहीं नहीं वो तो खैर आज तो धरना ही आपका हट जाएगा, पर मैं वैसे कह रहा हूँ आप लोगों का विषय चल रहा है, शायद आप 90 दिन से यहाँ बैठे हैं और मैंने भी 27 जनवरी से दोबारा ओएसडी के रूप में वापस आया हूँ। तो पहला काम आपके लिए एक शुभ संदेश माननीय मुख्यमंत्री का लेके आया है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप सब लोग हैं और आपके चेहरे बता रहे हैं और हमारे यहाँ का जो परिवार है, स्ट्रक्चर है हमारा, हमारे कपड़े हैं, वो सब बताते हैं कि हम सब वो लोग हैं जो अपनी योग्यता के आधार पर सामान्य और निम्न परिवारों से उठकर हमने एक नौकरी ली है जो कि पुलिस की भर्ती की है। आप सब लोग उसमें लगे हो तो जो खासकर जो लोग आरोप लगाते हैं कि इसमें गड़बड़ होती है, कम से कम चेहरे देख के तो किसी का नहीं लग रहा, सब अति सामान्य परिवार के और इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो पहले तो आपको बधाई सबको कि आप सबका चयन हरियाणा पुलिस सिपाही के रूप में हुआ था। मेल और फीमेल 5500 शायद मेल है और 1100 के आसपास महिला कांस्टेबल महिला सिपाही की भर्ती ये हुई है। आपका ज्वाइनिंग का विषय है हम तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सारे लीगल चीजों को समझते हुए जानकारी लेते हुए मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले 15 दिन के अंदर 100% तकनीकी पहलुओं के अनुसार हम आपकी ज्वाइनिंग या ट्रेनिंग जो भी संभव होगी हर हालत में करा देंगे। इसलिए जो आप मान के चल रहे थे क्योंकि हमने तो केवल ऐसा ही नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री की सोच है, आपकी तो भर्ती जिसकी योग्यता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। आपकी भर्ती तो हुई माननीय मुख्यमंत्री की मनोहरलाल जी की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये भी संवेदना रही है कि जो भर्तियां पुरानी सरकारों की थी कोर्ट में अटकी पड़ी थी, इसी मैदान पर अनेकों भर्तियों को हमने यहाँ से उठाया है। उसमें जेबीटी तो बड़ी भर्ती थी जिसमें 12,000 से ऊपर लोग थे। हमारे ये था कि वो रद्द भी हो सकती थी कोर्ट में, पर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का ये सीधा हम लोगों को आदेश था इन बच्चे चाहे किसी भी सरकार में भर्ती हो, बच्चे हमारे हरियाणा के, इनको हर हालत में जो मिलनी चाहिए। तो इसी जगह से 12,000 लोगों की नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके संदेश लेकर मैं आता रहा हूं और यहीं से हमने निपटाई है। तो आप तो वास्तव में पैदा भी हमारी सरकार में हुए हो,
तो निश्चित रूप से पालन पोषण भी हमारी ही सरकार में हुआ है। वहां तो पैदा दूसरी सरकार में होते, पालन पोषण मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था, तो आप तो और ज्यादा प्रिय हो। ऐसा नहीं कि वो प्रिय नहीं थे, तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। कोई किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं, कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है। रत्ती भर भी 100% आप लोगों की ज्वाइनिंग आने वाले 15 दिन में, जिनकी ज्वाइनिंग हो सकती है, ट्रेनिंग हो सकती है, तक फिर मैं एक शब्द तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते वो सब हम करा देंगे। 15 दिन मैं आपसे अधिकतम मांग रहा हूँ, न्यूनतम की सीमा कल से शुरू हो सकती है, परंतु अधिकतम 15 दिन, क्योंकि फाइलें होती है उसपे कई बार एक्सपर्ट के कानूनी सलाह ये सब लेते हुए हम इस काम को कर देंगे। तो आज आप जो धरना है वो समाप्त करके अपने घर जाके आराम से सो पाओगे, और जो आपका परिवार बाट जो रहा था कि मेरा बेटा या बेटी जल्दी से ट्रेनिंग पे जाए, तो आप उसकी तैयारी कर लो। जो आपने कुछ कपड़े कुपड़े खरीदने वो खरीद लो, बैग अपना रेडी कर लो, और जल्दी आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। वो जो आपका शेड्यूल होगा वो आपको मिल जाएगा। मेरा तो केवल आप लोगों से इतना ही कहना था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश को आप तक पहुंचाने के नाते मैं केवल यहां आया था। अब धरना समाप्त की घोषणा ऑफिशियली तो प्रवीण जी कर सकते हैं, या वो कहां है वो गुड़िया तुम्हारी, हाँ सुनीता तो ये कर सकती है। और मुझे लगता है कि नंबर बड़ा है 5500 का 1100 का, तो हम सब प्रवीण जी के ऊपर छोड़ देते हैं, दोनों तरफ से यही धरना समाप्त की घोषणा कर सकते हैं, अगर ये मेरी बात से सहमत है और अगर ये मुझ पे विश्वास करते हैं इसके आधार पर। धन्यवाद सर। सर की बात से सारे सहमत हो भाई? तो भाई देखो, सर ने आश्वासन दिया है, ये आश्वासन बहुत बड़ा है। 15 दिन का टाइम मांगा सर ने, लेकिन काम जल्दी भी हो जाएगा। सर ने बताया है कि प्रक्रिया कल से स्टार्ट है, हो सकता है कल हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 5 दिन में हो जाए, 15 दिन में, 15 दिन लास्ट मांगे सर ने। और सर की इस आश्वासन से हम हमारा धरना समाप्त कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारा काम 15 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। यही बात है सर की? सर ने भी यही बताया कि 15 दिन के अंदर अंदर सारा काम हो जाएगा, तो सारे सहमत हो इस बात से? अब एक लाइन बताऊंगा, धरना का, हाँ नहीं नहीं आप ही को धरना कर नहीं देंगे, धरना समाप्त कर दिया। देखो सर, मैं अपना बताऊं, अभी सर के इस आश्वासन से 15 दिन के अंदर अंदर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, इस आश्वासन पे